बटगांव में ईरानी सदर के सारहे पर ताजियती जुलूस बरामद हुआ। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने ताजियती जुलूस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ईरान और ईरानी सदर की हिमायत में नारेबाजी की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लोगों का कहना था कि जिस तरह से ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत हुई है, इस पर उनको काफ़ी गम है और वो रहबर इनकलाब इस्लाम ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के साथ इस गम में साथ हैं। वाज़ह है कि बटगांव के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने सड़कों पर काले परचम नसब किए और गम का इजहार किया। ईरान के सदर है, उनका रईस ही है, वो उनका आज देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई। हम उसी के गम में यहाँ पे तशरीह लेना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट करने का प्लान व्लान नहीं है, हम सिर्फ अभी सोग मना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बड़गाम में आ गए हैं। तो वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, हमारी इस्लामी हुकूमत के बहुत अच्छे लीडर थे, वो रहबर मौज़िम के साथ चलते थे, गलत जो जुल्म उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो हम उनके मतलब सोग में आज यहाँ पे आए हैं। हमारा ये मकसद है, जो हमारा ईरान का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उसकी शहादत हुई है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हम उसके गम में ये जुलूस निकाला है। हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है और उन ज़ालिमाना हुकूमत के खिलाफ हम भी आवाज़ उठा रहे हैं जो फलस्तीन के बच्चों को अभी भी शहादत की जान पिला रहे हैं। और आपको बताया कि बागाम में ख्वातीन ने भी ताजियती जुलूस निकाला जिसमें काफ़ी तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वातीन ईरान के हक में और इसराइल व अमरीका के खिलाफ नारे लगाती रही। ये जो ईरान में उसके दीगर अफ़्रीका की शहादत पे हम यहाँ पे निकले हैं, ये हादसा नहीं है, इत्तफाकी हादसा नहीं है, ये अमेरिका की चाल है, इसराइल की चाल है, हमारे दुश्मनों का मंसूबा है। हम इसको अच्छे से समझते हैं, वो कितने को शहीद करेंगे। आज एक इब्राहिम शहीद हो गए, हम 10 इब्राहिम को जन्म देंगे। जब तक हम अमेरिका को नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, जब तक हम फलस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे, हम खामोश बैठने वाली कौम नहीं है। हम शिया है, हम शिया इसना अशरी है, हमारा काम है मजलूमों की दिफा, मजलूमों का साथ देना, इसलिए आज हम यहाँ पे